ससुरालियों ने विवाहिता को मार पीट कर घर से निकाला। बिजनौर में दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालियों ने विवाहिता को मार पीट कर घर से निकाल दिया। पीड़िता आज SP ऑफिस में पहुंचकर पुलिस अफसरों से इंसाफ की गुहार लगा रही है। धामपुर के रहने वाली सोनम की शादी 4 साल पहले नगीना के विदेश के साथ हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालियों ने मार पीट कर उसे घर से निकाल दिया है। ससुरालियों के उत्पीड़न से परेशान पीड़िता ने न्याय की मांग को लेकर पुलिस अफसरों के चक्कर काटने को मजबूर है, लेकिन पीड़िता को इंसाफ नहीं मिल रहा है। जी, क्या नाम है? सर सोनम। बताओ क्या है? सर शादी को 4 साल हो गए थे भाई, 4 साल शादी हो गए। उसके बाद एक साल तक तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद दूसरे साल जब हुआ, जब देखा पैसे लाने बंद कर दिए घर से ना, तो उन्होंने जोड़ दिया, मुझ पे दबाव दिया, घर से पैसे ला के दे, चार लाख रुपए ला के दे। तो मेरे पापा ने, मज़दूर आदमी, मेरे गरीब माँ बाप है बेचारे, उन्होंने फिर भी कोशिश करके 60-70 हज़ार उसे दे दिया कि मेरी बेटी को परेशान ना करें। नहीं माना, फिर भी एक घर मार धाड़ के भेज दिया। फिर भी मेरे माँ बाप ने 2-4 महीने रख के ठीक करके फिर भेजा। फिर उसने फिर मारपीट करी। फिर 3-4 बार पंचायत सब ने पंचायत करके मुझे ले गए, हाथ जोड़ के ले गए। उसके बाद सर होते होते अब आज अब इतनी नौबत आ गई, सास सुने देवर ने ख़त्म, जान से ख़त्म कर दो इसे, दूसरी ला दूँगी। और वरना तो दहेज गांव वाले ने देखा जब बिल्कुल ख़त्म हो गई, तो ख़त्म होने की कगार पे, तो उन्होंने घर वालों को फ़ोन करा, मेरे माँ बाप को भी धमकी दी, तेरे माँ बाप को भी गोली से मार दूँगा अगर तूने, अगर उन्होंने भी कुछ मेरे खिलाफ एक्शन करा तो। क्या कोई ये भी वजह है कि लड़की होने पर? सर मेरी बेटी है 2 साल की, वो भी छीन ली सर। लड़की को कह रहे हैं, लड़की तो लड़की हुई, और ऊपर से पैसे भी ना ला के दिए, कुछ दिया भी नहीं है, बिल्ली गई, बिल्ली पे भी कुछ नहीं दिया, तो सर उसकी कुछ सुगत निकाल रहे हैं सर मेरी बेटी। अच्छा, तो आज किससे मिलना है आप? सर आज तो मैं उनसे मिल के जाऊँगी। सीओ साहब सर, सीओ साहब मिलना है, उनसे मिलना है सर।